तो गाइस आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और आज है हमारे पास जॉकी का नीट बॉक्सर शॉर्ट्स और इसका करेंगे हम अनबॉक्सिंग। और ये अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला होगा ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट सबसे लेटेस्ट है जॉकी ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। तो देखते हैं क्या क्वालिटी है, मतलब बढ़िया है भी या नहीं है, बस नाम का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस कुछ इस तरह से पैकेजिंग आता है, 5 पीस का पैक आता है, होलसेल पैक है, बल्क पैक है। तो इसको खोल देते हैं सबसे पहले, ठीक है, और ओपन कर लेते हैं। तो और इसमें कलर भाई आपको 5 कलर देखने को मिल रहा है, नहीं सॉरी 4 कलर है। सबसे पहले आप कलर देख लो, कौन कौन से कलर है, ऑलिव है, टील ब्लू, नेवी वगैरह वगैरह, ये सेम कलर आते हैं इसमें। तो इसमें आपको 4 कलर देखने को मिलता है, तो कलर आप देख लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कोई एक पीस को ओपन। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग में आपको यहाँ पे यूएसए ओरिजिनल का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, यूएसए ओरिजिनल जो है सीरीज है, ठीक है, नीट बॉक्सर शॉर्ट्स, ठीक है। जिनको नीट नहीं पता वो सीधा समझ रहे हैं हॉजरी फैब्रिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर में से UI01 आर्टिकल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स, साइड पॉकेट वगैरह है, ठीक है, साइज, कलर, और यहाँ पे सेम आर्टिकल नंबर मेंशन है। उसके बाद हम देखें पीछे, तो यहाँ पे आपको कुछ मेंशन है इसके बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है, साइज़ का वगैरह क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है QR कोड, और QR कोड क्यों होता है भाई, क्या इसका यूज़ है, वो हमने इस पर अलग से वीडियो बना लिया है। ऊपर अभी जाके आई बटन पर क्लिक करिए, उस पर आपको मिल जाएगा क्या इसका मतलब खासियत है, क्या इसका यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे बारकोड, प्राइसेस की बात करते हैं भाई, तो MRP 649 थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर डेट 12/2021, कोड एम मतलब साइज़ हो गया, ठीक है। और भाई ये कर्नाटक का बनता है, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, इनका जो मेन फैक्ट्री है वो कर्नाटक का है। तो बिना टाइम वेस्ट इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, इसको खोल लो, और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है जॉकी का सबसे लेटेस्ट लॉन्चिंग प्रोडक्ट, जो कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया है, और ये फर्स्ट वीडियो है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। और भाई बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी यार मतलब कुछ खास भी नहीं है, और कुछ ज़्यादा बेकार भी नहीं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा लो कहूँगा, क्योंकि जॉकी यार है तो थोड़ा ब्रांड है, तो थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए था, बट वैसा कुछ है नहीं। अंदर में विस्टबैंड का बात करें तो भाई ये सबसे मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगता है जब जॉकी के अंदर ये वेस्टबैंड जो जॉकी प्रिंट का देता है, ठीक है, बाकी जो नॉर्मल बेसिक रहते हैं वो सिंपल से यहाँ पे आपको रबर देते हैं, यहाँ पे कोई जॉकी का ब्रांडिंग नहीं रहता है। जो आपको बॉक्सर शॉर्ट्स देखने को मिलता है उसमें आपको अंदर ब्रांडिंग नहीं मिलता है, बट यूएसए ओरिजिनल, सिर्फ और सिर्फ यूएसए ओरिजिनल में ही मिलता है आपको जॉकी में, ठीक है, सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर आप बेसिक जो आपको नॉर्मल 400 समथिंग का आता है उसमें आपको ये वेस्टबैंड नहीं देखने को मिलता है, वो आपको नॉर्मल मिलता है। तो इस ये काफ़ी बढ़िया, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर जॉकी ले रहे हैं तो ये होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, अंदर बात करें तो सिंपल सा आपको यहाँ पे जो हर जॉकी प्रोडक्ट में मिलता है वही नीट बॉक्सर शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम पैकेट का, तो पैकेट में आपको भाई कोई जिप, कोई बटन नहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जिप का, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बटन देखने को मिलता है, इसमें भी कोई जिप नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लेंथ का, भाई इसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच ज़्यादा है बॉक्सर शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बॉक्सर शॉर्ट्स आते हैं, जैसे ये जो बॉक्सर शॉर्ट्स है इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, ठीक है। तो भाई बॉक्सर का मतलब होता है शॉर्ट, बट ये थोड़ा लॉन्ग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, सीधा साधा बात बोलूँगा भाई कि ये ले लो, ये इस पर पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है, इस पर कोई वैसा कुछ खास बात है नहीं। और बात करें ये फैब्रिक भी भाई, तो फैब्रिक भी थोड़ा बहुत फैल जाता है, कलर वगैरह भाई इसका ज़्यादा चलता है, जो मैंने आपको पहले वाला दिखा इस पर कॉटन रहता है तो इसका ज़्यादा चलता है, और ये थोड़ा सा हॉजरी फैब्रिक है तो इस पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी देखने को मिलता है। बाकी बात करें भाई पीछे, तो पीछे कोई पैकेट नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी डिसअपॉइंटमेंट है कि पैकेट होना चाहिए था, और कुछ तो भाई कुछ खास है नहीं। बात करें स्टिचिंग वगैरह का, तो भाई थ्रेड का क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रेड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम बात करें फिनिशिंग का, तो भाई फिनिशिंग का कुछ खास है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीधा है, बट यहाँ पे कुछ खास है नहीं। तो भाई यही था जॉकी का सबसे लेटेस्ट UI01 का रिव्यू अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।